गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू ऑल? आप लोग कैसे हैं? तो आज करवा चौथ है और आज मैं अभी स्कूल जाने वाला हूँ गाइस। आज पेमा मेरे लिए फास्टिंग रखने वाले हैं करवा चौथ का। रखी है पेमा ने आज फास्टिंग रखी है गाइस। तो अभी मैं बोल रहा था मत रखिए फास्टिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमार पड़ती हैं, तबीयत खराब रहता है। लेकिन पेमा को कौन समझाए, समझा नहीं पाते दोस्तों। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को भी हैप्पी कर बच्चों। तो अभी पेमा रेडी हो रहा है, स्कूल भी जाएगी, प्लस अब फास्टिंग भी है और बहुत बीमार भी रहती है। और इतना बोलने पर भी पेमा नहीं मान रहे कि मतलब फास्टिंग मत रखो, तो फास्टिंग रहना है उसको, आज रहेगी। मैं तो बोलता हूँ कि मत रखो फास्ट, बस वीक हो रहा है, कमजोर हो रहे हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे फास्टिंग पेमा रहती है दोस्तों, क्या करें। तो अभी मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। तो अभी ड्यूटी के लिए निकल रहा हूँ दोस्तों, मेरा ड्यूटी टाइम हो गया है। तो अभी बच्चे भी स्टूडेंट्स भी आ चुके हैं, अभी मिलते गाइस शाम को, तब तक देखते रहिए मेरे वीडियो को गाइस। गाइस अब हम स्कूल से आ चुके हैं और आज करवा चौथ है। करवा चौथ इसलिए रखा जाता है अपने पति के लिए, लंबी उम्र के लिए। तो गाइस आप लोग भी रखे होंगे, जितने भी वाइफ है सबने, आई होप आप लोग भी करवा चौथ रखे होंगे पति अपने पति के लिए। तो गाइस अभी हम जाएंगे थोड़ी देर के बाद कपड़ा चेंज करके मार्केट, और रात को पूजा कैसे करवा जाएगा वो भी आपको पूरा दिखाएंगे। तो मेरा वीडियो को आप लोग देखते रहेंगे, पूरा लास्ट तक देखते रहिए। गाइस सुबह मेरे हस्बैंड बोल रहे थे आप बहुत कमज़ोर हो गए हैं, आप फास्ट मत रखना। तो फिर हम हर साल करते आए हैं, तो आज के दिन कैसे हम छोड़ सकते हैं बताइए आप ही लोग। पर मेरे हस्बैंड को कौन बताएगा, पर वो भी मेरे अपने भलाई के लिए बोला है। पर हम मनाएंगे जरूर करवा चौथ, चाहे बीमार हो चाहे कुछ भी हो, तब मैं करूँगी अपने पति के लिए। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पेमा, मेरे पेमा। अभी यहाँ पे पेमा जी पूजा की तैयारी शुरू कर रही है। अभी पेमा पूरा जितने भी पूजा पाठ का सामान रेडी कर रही है, और सुबह से कुछ खाई नहीं है, ना पानी भी नहीं पिया है दोस्तों। तो इतना प्यार आ रहा है, क्या करें, इतना प्यार। अभी भी मैंने पहले के जन्म में कुछ अच्छा कर्म किए होंगे, तब इतना प्यार सभी भी मिला है मुझे, ना उसको कोई गिफ्ट चाहिए ना कुछ चाहिए। हम लोग का शादी का अभी 12 इयर्स कंप्लीट हो गया है, और अभी तक साथ में है, जहाँ जाता हूँ जहाँ रहता हूँ वो भी साथ में रहती है, सुख हो या दुख हो, हर वक्त हमेशा साथ रहती है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये जिंदगी, 4 दिन का जिंदगी है गाइस, छूटेंगे तो कभी नहीं, चाहे कुछ भी हो। यहाँ पे पूरा मैम ने मंदिर पूरा सजा दिया है गाइस। मेरा उम्र लंबी हो या ना, लेकिन इस वक्त में मैं जी लिया दोस्तों। वाह क्या जिंदगी है, इतना प्यार करने वाला वाइफ हो गया है, अभी तक पानी भी नहीं पी। तो चेहरा दिखाइए कि पानी भी, अभी तक पानी भी नहीं पिए, क्योंकि आँख वाँख पूरा कहीं दब गया। अब रेडी होकर दिखाएंगे। तो अभी साड़ी, दूसरा साड़ी पहनने जा रही है, उसके बाद आप लोग से आप लोग को दिखाएंगे कि पूजा का नौ साड़ी को पूजा करेंगे, क्योंकि हम ज्यादा सिंगार नहीं करते, हम इतने ही करते हैं। तो आज जैसे अपना अपना तरीका से मनाया जाता है, और कितने लोग ये चावल के जो आटे हैं उससे कितने लोग फराह बनाते हैं, और मैं भगवान जी को भोग चढ़ाते हैं लड्डू बना के। तो आप दिखाएंगे चावल को और लड्डू बनाएंगे, फिर भगवान जी को चढ़ाएंगे, दिखाएंगे आपको कब लड्डू बनेगा। बस चांद तो निकलेंगे 8:30 पे, तो हम लोग आज इंतजार करवाएंगे। मेरा चांद तो निकल चुका है,
मेरा चांद तो निकल चुका है, पेमा का चांद निकलना बाकी, मेरा चांद तो यहाँ पे देखिए मेरा चांद। हाँ, मैं आपके चांद। तो गाइस अभी फाइनली यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पूरा रेडी हो चुके है, पेमा मैम भी अभी रेडी हो चुकी है, देखिए कितना क्यूट लग रही है। और यहाँ पे ये देखिए चावल का लड्डू बना है, किसका लड्डू, चावल का ना, चावल 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 का लड्डू। कितने चलिए तू, कितने चलिए तू, कितने चलिए जाने जाने दिया, जाने दिया तू, तेरे बिना मैं ना रहूं, मेरे बिना तू, कितने चलिए तू, कितने चलिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर छत पे, आइए आपका इंतजार है। तो गाइस हम लोग फाइनली छत पे आ चुके हैं और यहाँ पे चांद निकला है आसमान में, तो आप देख सकते हैं चांद निकल चुके हैं। अरे देखिए आज चांद का पूजा किया जाएगा। वाओ, चांद छुपा पागल दिल, जय चंदा मामा, जय चंद्रदेव, जय चंद्रदेव। चलिए पेमा जी जल्दी जल्दी करिए, सबसे पहले चांद का पूजा किया जाता है, तो यहाँ पे पेमा चांद की पूजा कर रहे हैं। चांद जय चंद्रदेव, रक्षा करनु, जय चंद्रदेव। आंधे निकला, भाया भाया पठान जी, पहिला चांद भगवान ले रे, अब ये तो है ना ये पापा, ये अब गोंद देखे ना तो मजा ले रे ना, हाँ देखे देखे ले पापा, भाया ना खुटे तो खेलो, मैं तो खुट्टा दर घोटो घोटो खाना रे, ना खाओ पानी चे स्टॉक में तो लगो, पानी खान जाओ, खानो दें रोक लग सांग अलिक सफा हुने नि, घुँडा खाने दौडा अलिक मजाले खिचार खिचार अलिक जय गंगा मैया, फोटो
मेरो नानु को रोग कष्ट आ रहा नोस पहले बीमार नोस अंतरिस कहिले नगरोस म कहाँ खान्छ तिमी खाऊ मेरो हातबाट है कस्तो बुढा पाउँछ होला हो गाइस अबे पेमेन्टका बर्थडे खुल गया मतलब बर्थडे अबे बेबी सबसे खतरनाक गोविन्द प्रधान प्रसाद प्रसाद लड्डु खाऊ त मैले बनाएको एक पल्ट भ्यासै भएको छ नि प्रसाद ले लु तोर्मा छ तोर्मा त हो यो आज का नेपर समाप्त। तो गाइस अभी हम लोग का पूजा खत्म हो चुका है। पीएम मैम ने मेरा पैर भी धो दिया और अभी बर्थ भी क्या टूट गया है ना, फास्टिंग तोड़ दिए गए, अभी पानी पी लिए तो अभी मेरा भी दिल को सुकून मिल गया क्योंकि सुबह से पानी भी नहीं पिया था और भूखी भी थी इतना। भगवान, मैं तो एक दिन भी फास्टिंग नहीं रह सकती, नहीं सक रह सकता, लेकिन ये अब यो दियो ते बैन सवन चलो मर चलिए दस बड़ी गाइड करनो सा दिए हो ना डॉलर लट्ठी बोकेर बस्ने आयो वर्ष आय दियो नि बम के बोला कि अब रात के के गर्न अब हम खुश हुए मुकेम बो खुश हुआ। चलिए आराम से देख के चलिए, थोड़ा सा यहाँ पे डेंजर है, आराम से चलिए धीरे धीरे। त्यहाँ त्यहाँ हेरेर होइन तिनीहरू होइन और गोविंद सर आप लोगों को दिखाएंगे कैसे कैसे मैंने पूजा किया है। और गोविंद सर हैप्पी हो? हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, इतना प्यारी सी बीबी मिला है, प्यारी सी वाइफ मिला है। तो गोविंद सर बोले आपको जब पैर धो रहे थे झूठ और साबुन लेके मेरा पैर धो दो, हम बोले अच्छा झूठ और साबुन से पैर धोया जाता है। पेमा ने अभी पैर तो धो दिया लेकिन झूठ और साबुन भूल गया। झूठ और साबुन भी लेके आना चाहिए था ना पैर धोने के लिए। तो देखो सिर्फ मजाक था गाइस, तो बहुत अच्छे से आज पूरा पूर्ण हुआ क्योंकि सबका हर तरीका अलग अलग होता है। मतलब जैसे कितने लोग फरा बनाते हैं, आज भगवान को भोग चढ़ाते हैं, क्योंकि मेरा हर साल चावल का जो लड्डू बनाते हैं वही हम भगवान जी को भोग चढ़ाते हैं। और तो आज के दिन आप सभी लोगों का भी आप लोग का पारिवारिक जीवन जो है वो कैसे रहे, खुश रहे, खुश आप सभी लोग का घर में खुशहाली रहे, हस्बैंड और वाइफ मिलजुल के रहे, प्यार बना रहे, यही सबसे बड़ा चीज है गाइस। तो आज यही कामना करते हैं, तो हम लोग मिलते हैं दूसरे ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।